राधिक रे जुगाड़ के हमारा चैनल और आज हम बनाने वाले हैं ये प्रोजेक्ट है जो कि डिस्को लाइट है। इसके ऊपर मैंने एक ट्रांसपेरेंट कलर वाली शीट का कवर पहले ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है, उसके ऊपर इसका कवर पन्नी जैसा लगाया है जिससे इसकी इसके अंदर की जो लाइट निकली थी वो कलरफुल निकलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक एम्पलीफायर लिया है जो कि PAM8403 मॉडल से बना है। इसके साथ एक स्पीकर कनेक्ट किया है इसके दो टर्मिनल को है जो हमने हमारा जो सर्किट बॉक्स है इस सर्किट बॉक्स को लगाया है। और इस सर्किट बॉक्स की एक पिन यहाँ पे है, यहाँ पे हमें दो वायर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि अगर हम दो वायर लगाते हैं सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है और वो शॉर्ट हो जाता है तो हमारे घर की लाइन जा सकती है। तो यहाँ पे हमने एक वायर वाला सर्किट लिया है जिसके सिर्फ न्यूट्रल ही लगेगा, हमें फेस का वायर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए एक वायर है और इनपुट के लिए एक वायर है। तो यहाँ पे ये जो पिन है ये इनपुट के लिए है, मैं इसे लगा देता हूँ। और ये जो LED का बॉक्स है फ्रेम, यहाँ पे जो आउटपुट की पिन है इसके अंदर एक बॉक्स है जिसे ये LED कनेक्टेड है, इसके लिए मैंने ऐसा इसके शेप का बॉक्स बना लिया है। और यहाँ पे ये आउटपुट के लिए इस बॉक्स में मैंने इस पिन को लगा दिया है, ये भी मैंने घर पे ही बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस सर्किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम एक बार इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे पावर बैंक कनेक्ट कर दिया है इस हमारे एम्पलीफायर को, मैं इसका वीडियो नहीं डाल सका पर यहाँ पे ये जो है मैंने इसे कनेक्ट करके रखा है और ये भी। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। Play by TF Card. Friends, जब हम इसे पॉज करते हैं FM Bluetooth mode. तो ये रुक जाने पर बल्ब रुक जाता है और गाना चलने पर TF Card. ये चल जाता है। अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। ये जो वायर है फ्रेंड्स ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, यू टर्न है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ से कनेक्ट करता तो ये पिन की साइज छोटी हो जाती इसको दूर लगाने के लिए, इसलिए मैंने इसे ऐसे यू शेप से लगाया है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ये जो है फ्रेंड्स मैंने दो 5-pin सॉकेट लगाए हैं और एक बल्ब होल्डर लगाया है। आप इसका डायग्राम गूगल पे सर्च करके इसको बना सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए हम पहले पार्ट देख लेते हैं। ये जो है हमारा LDR सेंसर है जो कि हमें 10-20 रुपए में मिल जाएगा। ये सिंपल LED है जो 1 रुपए की 2 मिल जाती है हमारे यहाँ पे। और ये जो है 75K का मैंने रजिस्टेंस बनाया हुआ है, अगर आपको मिल जाए तो 75K का ही लेना है। मेरे पास मेरे दुकान के यहाँ पे 75K का रजिस्टर नहीं मिलता तो यहाँ पे मैंने 75K का रजिस्टर बना के लिया है। और यहाँ पे ये जो है 33K का रजिस्टर है, मैं जो रजिस्टर की वैल्यू बता रहा हूँ आपको वही रजिस्टर लेना है, दूसरे रजिस्टर ले तो ये खराबी हो सकता है। ये है BT136 ट्रांजिस्टर है फ्रेंड्स, ये ट्रांजिस्टर जरा पुराना है तो इसके ऊपर का नाम ही दिख रहा BT131136 का नाम है। और यहाँ पे हम अब सर्किट स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हमें LDR सेंसर लेना है और LED लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक हीटिंग ट्यूब ली है, आप इसकी जगह स्टॉ भी लगा सकते हो पर उसके ऊपर हमें काला टेप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने हीटिंग ट्यूब इस LED के ऊपर टाइटली लगा दी है। इसके हमें पॉजिटिव और निगेटिव पता होना चाहिए क्योंकि हम इसे टैप करने वाले हैं। यहाँ पे LDR सेंसर जो है मैं इसे भी इसके अंदर पूरी तरह से जा सके इतना डाल देता हूँ और फिर हम इसे गर्म करके इसे फिल करा देंगे। अब ये जो है बन चुका है। अगर आप स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हो तो इसके ऊपर काला टेप लगाना है ताकि जो LED की रोशनी है वो बाहर ना जा सके। तो यहाँ पे जो है बन चुका है। और यहाँ पे अब हम BT131 ट्रांजिस्टर लेंगे और इसके बीच वाले लेग में LDR सेंसर का एक लेग लगाएंगे। तो दोस्तों अब हम LDR के दो लेग जो है इस BT136 के इन दो लेगों पर इसे लगा देंगे। क्लियर होने देते हैं, यहाँ पे हम सही से लगा देते हैं।
तो फ्रेंड्स अब ये जो है इतना बन चुका है। तो अब हम एलईडी के निगेटिव लेग पर, तो फ्रेंड्स जरा से धोने पर मुझे BT136 मिल चुका है, पर इसका भी जो है नाम नहीं दिख सक रहा है, मुझे दिख रहा है पर ये जो है कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये जो है इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ये जो 75 के का रजिस्टर है यहाँ पे इसका एक लेग लगाएंगे, इसका एक लेग यहाँ पे इधर लगाएंगे और एक लेग जो है वो इधर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बन चुका है, दो रजिस्टर ज्वाइन किए थे उसको मैंने स्क्रीन ट्यूब लगा दिया है और यहाँ पे जो दो यहाँ पे मैंने एक वायर लगा दिया है। ये वायर जो है फ्रेंड्स, ये जो वायर है इनपुट के लिए है और ये जो बीच का जो वायर है आउटपुट के लिए है। तो फ्रेंड्स आपको मैं इसे सिंपल सर्किट में बता देता हूँ। यहाँ पे एक जो है हमें ऐसा यू शेप का वायर लेना है और ये मैंने जो है ऐसे लगाने वाला हूँ, मैं इसके वायर बढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको इसे छोटे वायर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों पिनों पर ये दो वायर लगेंगे और इन दो पिनों पर ये दो वायर लगेंगे। ये जो मैंने कहा था इनपुट के लिए, ये पिन इनपुट के लिए लगेगी फिर, और फ्रेंड्स ये जो पिन है आउटपुट के लिए लगेगी। अब ये और ये जो है 33K का रजिस्टर है, ये मैंने एलईडी के निगेटिव वायर पे लगाया है और इसके हम इसके ऊपर जो हमारा स्पीकर बचता है उसके जो स्पीकर के पॉजिटिव निगेटिव वायर्स हम देते हैं। तो एक साइड में हमें स्पीकर कनेक्ट करना है और एक साइड के वायर्स जो है इसे कनेक्ट करना है, तो ये एलईडी जो है स्पीकर की तरह बजने लगेगा। तो यहाँ पे हम इसे ऑडियो इनपुट कनेक्ट कर देंगे जो कि स्पीकर के वायर लगते हैं। तो अब हम इस पूरे सर्किट को जो है एक सनबोर्ड के डब्बे में डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सनबोर्ड का डब्बा बना लिया है, इसके अंदर इसे फिक्स कर दिया है। यहाँ पे जो है रजिस्टर लगा है हमारा और ये जो वो वायर्स है इनपुट और आउटपुट यहाँ पे मैंने लिखा है आउट इन, और इसका एक वायर इसके अंदर जाता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ये जो रेड वायर है यू शेप का वायर है जो कि मिला हुआ है आपस में, और ये जो ब्लू वायर है ये जो है अलग अलग है जो कि इसे कनेक्शन बनाते हैं। और ये जो है एलईडी के वायर को मैंने ये पॉजिटिव निगेटिव के वायर कनेक्ट कर दिए है ताकि हम इसे ऑडियो इनपुट स्पीकर के वायर अच्छे से लगा पाए। तो अब हम इसके ऊपर का ऐसा कवर लगा देते हैं। फ्रेंड्स इसे चलते वक्त इसे हाथ लगाना बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैं आपको इसे पैक करके ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारा इसे गलती से हाथ लग गया तो इसके अंदर हमें शॉक लग सकता है, बाहर हमें कुछ नहीं होगा, पर जब इसके अंदर हमारा हाथ जाएगा तब हमें बहुत डेंजरस शॉक लग सकता है, इसलिए मैं आपको इसे पैक करके ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो है बन चुका है, इसके ऊपर आप कोई भी डिजाइन कर सकते हो। तो अभी हमें लगेगा एक बोर्ड जिसके ऊपर एक बल्ब होल्डर होना चाहिए और दो पाइपिंग सॉकेट होनी चाहिए ताकि जो हम आउटपुट वाली पिन है, ये जो आउटपुट वाली पिन है इसके अंदर लगा सके। तो फटाफट से मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो अभी फ्रेंड हमें मैंने एक ट्रांसपेरेंट किट से ये जो बॉक्स बनाया है और इसके ऊपर हमें मैंने लगाया है ये पिन जो कि कलरफुल आती है। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर, येलो कलर और रेड कलर की फिल्म लगाई है, ऊपर से भी येलो ही है। आप इसके अंदर से देख सकते हो सब कुछ ब्लू कलर का दिखता है, जब इसके अंदर लाइट जाता है फ्रेंड्स तब ये जो है किसी भी चीज को कलरफुल बना देती है। यहाँ पे अब हम ऐसे इसमें बल्ब लगा देते हैं और इसके अंदर इसे ऐसे लगा देते हैं और ये जो है आगे से डीजे जैसा लुक देता है। तो फटाफट से अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, तो इसकी टेस्टिंग हम चालू करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी कनेक्शन देख लेते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना जाए। तो पहले तो हम इसे लेंगे और फिर हम लेंगे हमारा PAM8403 एम्पलीफायर, ये जो हमारा एम्पलीफायर है हम इसे लेंगे और फिर इसके जो पॉजिटिव निगेटिव है फ्रेंड्स, ये व्हाइट वाला जो है हमारा निगेटिव है तो हम इसे दो वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो है हमारा पॉजिटिव है हमें इसे पॉजिटिव निगेटिव देख के लगाना है, अगर ये चुप गया तो हमारा ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है और इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए हमें लगेगा एक पावर बैंक, तो हम इसे पावर बैंक भी कनेक्ट कर देते हैं और इसके एक साइड को हमने लगाने हैं स्पीकर। इसकी कोई भी पॉजिटिव निगेटिव कनेक्शन नहीं होती है, उस पर लिखा भी होता है पॉजिटिव निगेटिव पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ऐसा मैंने कनेक्ट कर दिया है, इतना तो हमारा हो गया फ्रेंड्स। अब ये जो इनपुट आउटपुट के वायर से आपको बताने होंगे, ये जो इनपुट का है और ये जो आउटपुट का है, मैं इसे इसके अंदर किसी भी पिन में ऐसे लगा देता हूँ और फिर फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर
हमारी जो पिन वाला बॉक्स है इसे मैंने प्रैक्टिस में बनाया है, ये भी हमने इसे लगा दिया है। तो ये जो पिन है फ्रेंड्स, सिर्फ इसे लगाने का हमें जरूरत है। तो यहाँ पे जो है इनपुट के लिए मैंने केबल ले लिया है और ये जो पिन है हमें इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसे हम बाजू को रख देते हैं और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सर्किट को तो स्टार्ट कर दिया है, अब हम एम्पलीफायर को स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसकी स्टार्टिंग में ही ये चालू हो जाएगा। प्ले बाय जीएफ कार्ड। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई नई प्रोजेक्ट बनाना है तो जरूर कमेंट करना। थैंक यू।